हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी, वो ट्रांसपिरेशन का पार्ट टू है, जिसमें हम उसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पार्ट वन जो हमारा ट्रांसपिरेशन का था, उसमें हमने ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और वो कितने टाइप्स का होता है, डायग्राम के साथ हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में हम उसके फैक्टर्स पे फोकस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं प्लांट्स में, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले फैक्टर्स पे आते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आर, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन की रेट जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आता है सेलुलर फैक्टर, है ना, और दूसरा आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। दो टाइप के फैक्टर्स हैं। सेलुलर फैक्टर्स में आता है कि सबसे पहले आता है कि जैसे प्लांट में जो लीव्स होती हैं, लीव से ही जनरली ट्रांसपिरेशन होता है, जनरली मैं बता रही हूँ। तो ट्रांसपिरेशन जो है हमारा लीव्स के ही पार्ट से होता है। तो उसमें कह रहा है कि जो सेलुलर फैक्टर है, यानी कि जो सेल वाले फैक्टर हैं, उसमें पहला आता है कि लीव की ओरिएंटेशन क्या है, मतलब लीव किस साइड को है। जैसे अगर सूरज जिधर साइड को है, सपोज करिए सन की बात कर रहे हैं, तो सन के अगर सामने लीफ है, है ना, प्लांट है, ऐसे सन का सामना पड़ रहा है अगर प्लांट की तरफ, तो यानी कि अगर ओरिएंटेशन सन की तरफ है लीफ का, तो ये ज़्यादा ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर वेपर बनेंगे, है ना, सनलाइट पड़ेगी तो वाटर वेपर ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे, तो ट्रांसपिर एक्सक्रीशन जो वाटर का होगा वो वेपर्स के फॉर्म में वो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो क्या कह रहा है कि पहला फैक्टर क्या है जो अफेक्ट कर रहा है ट्रांसपिरेशन की रेट को, वो है ओरिएंटेशन ऑफ लीव, कि लीव का ओरिएंटेशन किधर साइड को है। दूसरा आता है द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कि प्लांट में पानी का क्या स्टेटस है, पानी कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो उसी हिसाब से ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल पेक्यूलियरिटीज ऑफ द लीव, यानी कि स्ट्रक्चरल पेक्यूलियरिटीज लीव की हैं, कि मतलब लीव में कौन कौन सी कमियां हैं जो स्ट्रक्चर वाइज बेसिस पे, है ना, स्ट्रक्चरल बेसिस पे जो कमियां हैं उसकी बेसिस पे भी ट्रांसपिरेशन का रेट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है टोटल नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इन अ लीफ, यानी कि टोटल नंबर में स्टोमेटा कितने अमाउंट में है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर साइड पे है, है ना। सनलाइट के एकदम सामने अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस वो भी बहुत अफेक्ट करेगा, और कितने अमाउंट में स्टोमेटा, अगर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो बहुत सारे स्टोमेटा एक टाइम पे ओपन हो जाएंगे और ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये तो थे सेलुलर फैक्टर। अब आते हैं हम इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला आता है हमारा लाइट। लाइट क्या करता है, क्या अफेक्ट करता है, कि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे। जो स्टोमेटा हमारे होते हैं, है ना, स्टोमेटा किससे बने होते हैं, कुछ स्पेशल सेल होते हैं, वो दो सेल से मिलकर के बना होता है, दो सेल गार्ड सेल कहे जाते हैं, जो कि किडनी शेप के होते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं। अब ये क्या है, ये डे के टाइम, मतलब जब लाइट प्रेजेंस है, सनलाइट प्रेजेंट है उजाले में, डे के टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक, एंड क्लोज इन द डार्क। ये हम सबको पता है कि स्टोमेटा डे में ओपन होता है और क्लोज में, मतलब डार्क में क्लोज हो जाता है, मतलब रात के टाइम वो बंद हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब क्या कह रहा है कि जैसे डे में जब लाइट प्रेजेंट है हमारी, तो डे में स्टोमेटा ओपन है, तो जब ये ओपन होगा तो जाहिर सी बात है जो ट्रांसपिरेशन का रेट होगा, यानी कि वाटर जो बाहर जा रहा है, वो ऑपरेट हो रहा है वेपर के फॉर्म में, तो वो दिन के टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन जो है ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो कह रहा है कि जैसे अगर लाइट की प्रेजेंस ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि मतलब अगर जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ये बात समझ आ गई, और जितनी कम लाइट होगी उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में, यानी डे टाइम में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है और नाइट में ट्रांसपिरेशन कम होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। ये भी एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि जैसे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, अगर वो हाई है, अ हाई टेम्परेचर लोअर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ओपन द स्टोमेटा इवन इन डार्कनेस।
जो हाई टेम्परेचर है वो क्या करेगा, बाहर की जो ह्यूमिडिटी है उसको कम कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एंड ओपन द स्टोमेटा इवन इन डार्कनेस, और जिसकी वजह से स्टोमेटा रात के टाइम भी डार्कनेस में भी ओपन हो जाएगा। तो जब रात में भी स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो एज अ रिजल्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी के थ्रू क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर क्या कहता है, थर्ड नंबर पे आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टाइम। कह रहा है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसका मतलब ये समझे कि जैसे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब ऑलरेडी एनवायरमेंट में इतनी नमी है, इतना पानी अमाउंट में मतलब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो होगा वो कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज अगर हो रही है तो दूसरी चीज, एक चीज अगर ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज लो अमाउंट में होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी यानी कि कम होगी बाहर के एनवायरमेंट में, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो कम हो जाएगी। तो कह रहा है मोर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस इज द ट्रांसपिरेशन रेट। ज्यादा अमाउंट में बाहर ह्यूमिडिटी होगी यानी कि बाहर के एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा अमाउंट में नमी अगर होगी तो हमारा जो ट्रांसपिरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल फैक्टर एयर। अब क्या कह रहा है कि इफ द एयर इज स्टिल, अगर एयर रुकी हुई है मतलब हवा अगर नहीं चल रही है तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो लो हो जाएगा, वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो जो ट्रांसपायरिंग ऑर्गन है जैसे स्टोमेटा है या जहां से भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लीफ से हो रहा है या कहीं से भी हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि वाटर वेपर जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा ट्रांसपायरिंग ऑर्गन के आगे, और जो एयर की जो मतलब एयर की जो क्वांटिटी है वो वहां पे कम हो जाएगी, रिड्यूस द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऑफ द एयर। तो एयर की क्वांटिटी वहां पे कम हो जाएगी, और फिर अगर वही जगह एयर इज मूविंग, अगर हवा चल रही है तो द सैचुरेटेड एयर अराउंड द लीव्स इज रिमूव, और तो क्या होगा कि लीव्स के चारों तरफ क्या होगा, जो सैचुरेटेड एयर होगी वो रिमूव हो जाएगी, वो हवा चल रही है तो वो मूव होती रहेगी ना, वो हट जाएगी वहां से, तो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर की अवेलेबिलिटी। अगर पानी ज्यादा अमाउंट में है द ट्रांसपिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर जितना ज्यादा अमाउंट में रूट जो है सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर के ऑर्गन्स तक ला के देगा उतना ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा, है ना, ट्रांसपिरेशन की रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का रूट्स के थ्रू सॉइल से उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन वाटर एब्जॉर्प्शन कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग देयर बाई रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जितना कम अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, विल्ट हो जाएंगे, विल्टिंग मतलब वीक हो जाएंगे, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर आता है सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स। जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा लीव्स का उतना ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपिरेशन होगा। A leaf having more surface area will show more transpiration rate than the leaf with lesser surface area. Simple सी बात है, leaf अगर जितना ज़्यादा amount में surface area provide करेगा उतना ज़्यादा amount में transpiration rate जो है वो increase करेगा। तो ये हमारे दो type के factors थे, cellular factor और environmental factor। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई हों। अगर आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ हो तो ये दोनों पार्ट हमारा ट्रांसपिरेशन का कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।